हेलो स्टूडेंट्स, आपको क्लास सिक्स का आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर एट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझाएंगे। ओके, तो इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर एट, इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर एट, उसका नेम है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो क्या है? एडजेक्टिव हमने अभी जो प्रीवियस हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने एडजेक्टिव के बारे में फुल डिटेल से देखा था, पढ़ा था। ठीक है, तो हम फिर से देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। तो जो शब्द नाउन यानी संज्ञा और या प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है, नाउन जो शब्द नाउन या प्रोनाउन बी विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, उसे एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। ओके, अब अधिकांश अधिकांश एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जो अधिकांश एडजेक्टिव होते हैं उनकी क्या है, डिग्रियां होती हैं। तो तीन डिग्रीज होती है, कितनी होती है? तीन होती हैं। जैसे वाइज, बिग बड़ा और ब्यूटीफुल सुंदर। ओके, देखेंगे कि अधिकांश जो एडजेक्टिव है उनकी तीन डिग्रियां होती है। तो ये क्या है, वाइल्ड आपका एडजेक्टिव, बिग ब्यूटीफुल, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। इनका इनकी तीन डिग्रियां होती है। तो तीन डिग्रियों को हम देखेंगे, जैसे द पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री यानी मूल्य अवस्था, मूल्य अवस्था द
जैसे क्या मूल्यावस्था, ठीक है, कैसे जो पॉजिटिव डिग्री है, जैसे वाइट हुआ, जैसे बिग हुआ, जैसे ब्यूटीफुल हुआ, ये क्या है, ये आपका सेम जो वर्ब है, जो हमारा एडजेक्टिव है वो सेम आ जाता है, यानी उसकी मूल्यावस्था को ही लिखा जाता है। पॉजिटिव डिग्री में हम उसकी मूल्यावस्था को ही लिख देते हैं, जैसे वाइट हुआ, बिग हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, ठीक है। अब इसकी दूसरी अवस्था क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री इसकी है ये उत्तरावस्था, उत्तरावस्था जैसे देखो बाइज का, जैसे हमने पॉजिटिव में लिखा था बाइज, तो कॉम्परेटिव ये सेकंड हमारी क्या है, सेकंड अवस्था है, तो वाइज का वाइजर हो जाएगा, यानी बुद्धिमान से अधिक, उससे अधिक, ठीक है, से अधिक बुद्धिमान, ओके। और जैसे बिगर, वाइज का वाइजर और बिगर, बिगर मतलब से बड़ा, ओके, अधिक बड़ा, अधिक आ जाएगा, उससे अधिक, ओके। अब है हमारा ब्यूटीफुल का मोर, मोर ब्यूटीफुल से अधिक, ओके। क्या है, जो हमारी पहली डिग्री है वो थी पॉजिटिव डिग्री, जैसे वाइज, बिग, ब्यूटीफुल, हम उसकी मूल्यावस्था को ही रख देते हैं, एडजेक्टिव की जो मूल्यावस्था है उसी को रखेंगे। लेकिन जो हमारी सेकंड अवस्था आएगी कॉम्परेटिव डिग्री, इसमें क्या है, मूल्यावस्था से अधिक, हर चीज क्या होगी, मूल्यावस्था से अधिक, यानी वाइज का वाइजर से अधिक बुद्धिमान, बिग, बिग का बिग से बड़ा, यानी बिग से बड़ा, तो कॉम्परेटिव में उससे बड़ा हो जाता है, ओके। और जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, उससे अधिक सुंदर। अब हमारी थर्ड डिग्री पे चलते हैं, ओके। अभी हमारी फर्स्ट सेकेंड डिग्री हुई है, अब हम चलते थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री, यानी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था जैसे वाइजेस्ट। अभी हमने वाइज लिखा था, वाइज के बाद वाइजर था कॉम्परेटिव में, अब हमारा सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, वाइजेस्ट, यानी उत्तमावस्था, यानी सर्वाधिक बुद्धिमान, सर्वाधिक बुद्धिमान। अब बिगेस्ट, बिगेस्ट मीन्स सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक बड़ा। और
मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सर्वाधिक सुंदर। ओके, तो हमारी तीन डिग्रियां हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कॉम्पिटिटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री में क्या देखा कि सर्वाधिक उससे बड़ा नहीं, मतलब वो सबसे बड़ा। तो क्या है, वाइजेस्ट में सर्वाधिक बुद्धिमान, बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा यानी उससे बड़ा कोई नहीं, सर्वाधिक बड़ा, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब उसकी कंपेयर नहीं होती, सबसे बड़ा सबसे सुंदर। ओके, तो हमारी तीन डिग्रियां हैं, एडजेक्टिव की तीन डिग्रियां होती हैं। ओके, तो इसको देख लीजिएगा इस चैप्टर को। आप पढ़ेंगे पूरा इसी में है। चलो कुछ समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया कि डिग्रियां क्या है, सुपरलेटिव पहले है, पॉजिटिव डिग्री फिर है, कॉम्पिटिटिव डिग्री फिर है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्रियां तीन होती हैं, यानी जो पॉजिटिव डिग्री है हमारी वो क्या है, वो मूल अवस्था होती है, और जो कॉम्पिटिटिव डिग्री है वो क्या है, उत्तर अवस्था होती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या है, उत्तमा अवस्था होती है। ओके, तो ये ऐसी होती हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डीपली समझ लेंगे। एडजेक्टिव की डिग्री बनाना, एडजेक्टिव की डिग्री बनाना। ओके, जैसे एक स्लैबी एक स्वर की ध्वनि, एक स्वर की ध्वनि या एक स्वर और एक से अधिक या एक से अधिक व्यंजनों, एक से अधिक व्यंजनों की संयुक्त एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के बाद क्रमशः ईआर तथा ईएसटी जोड़ने से उस एडजेक्टिव की
कॉम्पिटिटिव तथा सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती है। ऐसे अधिकतर क्या है कि एक स्लेवर यानी एक स्वर की ध्वनि या एक स्वर और एक से अधिक व्यंजनों की संयुक्त ध्वनि वाले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के बाद क्रमशः ई आर, जो पॉजिटिव डिग्री होती है यानी मूल अवस्था होती है, उसके बाद क्रमशः ई आर तथा ई एस टी जोड़ने से उस एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अभी हमने देखा था कि मूल अवस्था में ई आर तो कॉम्परेटिव हो जाती है उसमें जोड़ने से, और ई एस टी जोड़ने से उसकी उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ऐसे अधिकतर एडजेक्टिव के अंत में दो व्यंजन या एक व्यंजन तथा उससे पहले दो स्वर होते हैं। देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल, जैसे ये है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये है कॉम्परेटिव और ये सुपरलेटिव, ये है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो जैसे पॉजिटिव में बोल्ड, तो बोल्डर और बोल्डेस्ट, ओके, क्लेवर, क्लेवर, वी ई आर ई आर, क्लेवर, और सी एस ई वी ई आर ई आर ई एस टी, V-E-R-E-S-T, cleverest, okay? जैसे beak, W-E-A-K-E-R, beaker, या beakest, यानी हम कब लगाते हैं, अधिकतर एडजेक्टिव के अंत में दो व्यंजन, अंत में व्यंजन एक दो व्यंजन हो या एक व्यंजन हो या उससे पहले दो स्वर या एक स्वर हो, तो बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, ओके। और देखते हैं Hmm.
देखेंगे जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई अक्षर हो और उससे पहले कोई व्यंजन हो तो बाई को आई में बदलकर क्रमशः ER तथा EST लगाते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, जैसे ये है पॉजिटिव तो जैसे बिजी ये है आपकी पॉजिटिव है, वाई है ना, तो देखेंगे बिजी यानी हम वाई को आई में चेंज कर देते हैं। जब हम कॉम्पिटेटिव डिग्री में आएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा वाई है उसको आई में चेंज करके फिर हम इसको कॉम्पिटेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, यानी बीजीएस। ओके, जैसे जल्दी आई आर वाई जल्दी जी आई आर जी आई ई आर डी आई आर ई आई ई एस टी। कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ क्या बाई को हटा के आई में यूज कर देना, आई में लिख देना है, बाई को आई में चेंज करके फिर हमें अपनी कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव में ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। जिस एडजेक्टिव के अंत में बाई अक्षर हो और उससे पहले कोई व्यंजन हो तो बाई हो, उससे पहले कोई व्यंजन वर्ड आए तब, ठीक है, यानी हम कब उसको बदलेंगे, आई में बाई को, जब हम बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो यानी कोई व्यंजन वर्ड हो तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको आई में चेंज कर देंगे। ओके, इसी तरह से लेकिन अगर एडजेक्टिव के अंत में बाई हो और उससे पहले कोई स्वर हो तो उस एडजेक्टिव के अंत में केवल ई आर
तथा ईएसटी ही लगाते हैं। ओके, जैसे जैसे जी ए वाई गे, तो गे मीन्स प्रसन्न होना। वैसे ठीक है, तो जी ए वाई ई आर और जी ए वाई ई एस, जी ए वाई ई एस टी, जी आर ई वाई गे मीन्स बुरा, तो जी आर ए वाई ई आर, जी आर ए वाई ई एस टी, यानी क्या एडजेक्टिव के अंत में बाई अक्षर हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो तब हम आई बाई को आई में चेंज करते हैं। यदि एडजेक्टिव के अंत में बाई हो और उससे पहले कोई वोवेल्स हो यानी स्वर हो तो उस एडजेक्टिव के अंत में केवल ई आर और ई एस टी ही एड करेंगे, बाई को नहीं हटाया जाएगा। ओके, जैसे जी उस बाई से पहले क्या है, स्वर है, बाई से पहले वोवेल्स है, इसलिए हम उसको सेम ही लिख देंगे, कुछ भी नहीं हटाएंगे। ओके, कुछ अब देख लेते हैं, कुछ एडजेक्टिव अनियमित भी होते हैं। देखिए कुछ हमारे जो एडजेक्टिव हैं की डिग्री अनियमित ढंग से बनती है, से बनती है। ओके, जैसे जैसे पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपर लेटिव, सुपर लेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे बैड तो वर्स और वर्स, जैसे मैंने मोर मोस्ट। ओके, सिबेल बेटर बेस्ट, जैसे डिटेल लेस लिस्ट, ठीक है, लेट लेटर लास्ट। Evil, evil,
बर्न्स और बर्स्ट। ओके, कुछ अनियमित एडजेक्टिव भी होते हैं, कुछ एडजेक्टिव की डिग्री अनियमित ढंग से भी बनती है। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव हैं जिनकी जो डिग्रियां हैं वो अनियमित ढंग से भी बनती हैं, जैसे जैसे बैड वर्स वर्स एकदम अलग हो जाती हैं, मैनी मोर मोस्ट, बैड बेटर बेस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, लेट लेटर लास्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, इविल वर्स वर्स, इनको हम लर्न कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आज हमारा जो चैप्टर 8 था 6th क्लास का वो कंप्लीट हो गया है, डिग्रियां हैं। अब जो आपकी जो इसमें बुक में एक्सरसाइज है वो समझ की इस वीडियो से अच्छे से समझिए और उस बुक में आप फिल करिए, कंप्लीट कर लीजिए, चैप्टर 8 बुक में कंप्लीट होना चाहिए। ओके, थैंक यू।